हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ इज गोइंग टू बी अ फोर पार्ट रीडिंग। एंड द टॉपिक इज लाइक विल यू बी गोइंग अब्रॉड और नॉट, क्या आप अब्रॉड जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिस इज अ टॉपिक फॉर टुडे एंड इट इज गोइंग टू बी फोर पार्ट रीडिंग। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, तो हम आज अभी स्टार्ट करते हैं पाइल वन से कि अगर आपने पाइल वन सिलेक्ट किया है तो आपके लिए कौन सी लाइक आपका अब्रॉड जाना होगा कि नहीं होगा, एंड क्या है आपके अब्रॉड जाने के सपनों को लेकर। विल इट वर्क आउट फॉर यू और नॉट, एंड इज इट गुड फॉर यू और नॉट। विल यू बी गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म, विल यू बी गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म, एंड फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज, फॉर जस्ट घूमने जाने वाले हैं और विथ योर फैमिली। विल इट बी लाइक माइग्रेट करने वाले हैं हमेशा के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या आप अब्रॉड जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल वन। अगर आपने पाइल वन सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप आपके करंट सिचुएशन में, आपके करंट लाइक आपके करियर में एक जगह पे स्टक हो गए हैं, लाइक स्टैग्नेंट फेज आपका आ गया है। एंड बहुत टाइम से आप चाह रहे हैं दैट यू नो यू वांट दैट, यू वांट टू टेक दैट प्लंज, यू वांट टू गो अहेड, यू वांट टू मेक अ मूव इन योर करियर एंड यू वांट टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं अपने लाइफ में, लाइक एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस फॉर यू दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इज चेंजिंग योर लोकेशन, going abroad and going to a country which is different from where you are currently. तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो let's see कि will it work out for you or not and ये आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं। See right now you're feeling very helpless, you're feeling stuck financially, you're feeling stuck in the position that you are at and कभी कभी बहुत ज़्यादा sad, depressed भी हो जाते हैं and you feel that you know things are just not working out for you. So I'm getting a yes for you कि आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए अपने करियर में, अपने लिए, अपने खुद के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको खुद को आगे बढ़ के अपने करियर को एक जो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना है, लाइक यू नो व्हेन यू गो ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस, व्हेन यू गो ऑन द लैडर आपको करियर में आगे लेके जाना होता है, तो तभी आपके लिए स्टेप्स ऊपर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस विल बी लाइक अ स्टेप फॉर यू कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी अब्रॉड जाने की एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, ये आपके लिए बेटर है, आपको आगे मूव ऑन होना पड़ेगा अपने करियर फ्रंट में। सो आई वुड से दैट यू नो आप अब्रॉड जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दीजिए आपके वर्क रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड। एंड अभी जो आप एक स्टक फेज से गुजर रहे हैं, लाइक देयर यू फीलिंग दैट थिंग्स आर जस्ट नॉट मूविंग, थिंग्स आर जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, दैट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड यू विल स्टार्ट सीइंग लाइक यू नो सम गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज इन योर करियर। सो लेट्स सी कि हमारे एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए, दैट शुड यू मूव, शुड यू गो अब्रॉड और नॉट फॉर योर करियर, और शुड यू जस्ट स्टे वेयर यू आर एंड कंटिन्यू विद व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। See, it is saying unlikely. It might not work out right now, but for a year from now, okay? अभी शायद आपका टाइम नहीं है पूरी तरह से आगे बढ़ने का उसमें करियर फ्रंट में एंड टेकिंग दैट प्लंज, बट वन ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी रेडी फॉर इट एंड यू शुड मूव अहेड। तो हमें हमारे एंजल्स बता रहे हैं कि आपको कब तक जाना चाहिए एंड विल इट वर्क आउट फॉर यू और नॉट। सो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू लेटर ऑन। अभी जो आप सोच रहे हैं कि अभी जो आपको बढ़ना है आगे वो अभी नहीं हो पाएगा फिलहाल इन द करंट सिचुएशन, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ थिंग्स विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दैट हाँ अब चीज़ें मुझे जैसे चाहिए वैसी होने लगी है एंड नाउ आई कैन टेक दैट प्लंज एंड नाउ आई कैन गो अब्रॉड फॉर माई करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो दिस वॉज पाइल वन। लेट्स सी फॉर पाइल टू कि आपके लिए क्या आ रहा है और आपको अब क्या करना चाहिए। शुड यू गो अब्रॉड और नॉट, और दिस प्लेस इज बेटर फॉर यू।
ओके सो जो भी पाइल टू जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने एजुकेशन में, ठीक है। दे वॉन्ट टू टेक अ कोर्स और समथिंग एंड मूव अहेड इन योर इन द एजुकेशन। उनको लगता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है और अगर मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो एजुकेशन, इफ आई गो अब्रॉड एंड टेक सम डिग्री फ्रॉम लाइक सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कोई बाहर की कंट्रीज से मैं आगे कुछ पढ़ाई करूँ तो दैट विल वर्क आउट गुड फॉर मी। सो एंड दे लाइक वेरी कंफ्यूज कि कौन सी कंट्री को हम सिलेक्ट करें, कौन सी कंट्री में जाना हमारे करियर के लिए, मेरे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। एंड इट हैज़ टू बी कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो, फैमिली वालों ने भी अप्रूव करना चाहिए। एंड इमोशनली यू शुड नॉट बी एबल टू फील वीक बिकॉज आप वहाँ अकेले जा रहे हैं, विदाउट योर फैमिली, विदाउट योर फ्रेंड्स, नो विद नो वन सपोर्ट, आपको वहाँ अकेले रहना है। सो यू सीइंग एंड यू लाइक गेजिंग ऑल ऑफ दैट कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, विच कंट्री, विच प्लेस, विच लोकेशन, वॉट डिग्री, वॉट शुड आई बी टेकिंग इट फर्दर एंड गोइंग अब्रॉड, विल इट बी गुड फॉर मी और नॉट। सो लेट्स सी कि आपके लिए कैसा रहेगा। थोड़े स्ट्रगल्स आने वाले हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू गो अब्रॉड एंड जस्ट सेटलिंग डाउन देयर एंड यू आर गोइंग टू फील इन हेल्पलेस, लाइक यू नो कि वाई आई एम अलोन, आई एम ऑल अलोन, आई डोंट हैव एनी वन विथ मी, बट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू गुड लक एंड गुड सक्सेस। एंड ये आपके करियर का, आपके लाइफ का एक सबसे बड़ा मूव होगा एंड यू शुड गो अहेड विथ इट एंड आपको ये ले लेना चाहिए ये स्टेप एंड स्टार्ट थिंकिंग विच कंट्री यू रियली वॉन्ट टू गो, विच विल रियली वर्क आउट फॉर यू एंड आप इसमें वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए डेफिनेटली ये अच्छा रिजल्ट आने वाला है एंड यू विल सी दैट यू नो जो आपने डिसीजन लिया ये आपके लिए बहुत बेहतर था एंड ये आपको आगे बहुत अच्छे से लेके जाएगा। सी द एंजल कार्ड दैट आई एम गेटिंग इज इट्स अप टू यू एंड यू शुड डेफिनेटली, इट इज गोइंग टू बी अप टू यू, ओके, वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ द राइट मूव फॉर योर करियर एंड फॉर योर ग्रोथ, अपने पढ़ाई को लेके और हर एक चीज़ को लेके, देन डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए और ये आपके लिए अच्छे से वर्कआउट होगा। तो दिस वॉज आवर पाइल टू, लेट्स मूव ऑन टू पाइल थ्री। जिन्होंने भी पाइल थ्री सिलेक्ट किया है ये उनके लिए रीडिंग है कि विल यू गो अब्रॉड और नॉट एंड विल दिस वर्कआउट फॉर यू और नॉट। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके पाइल थ्री वाले जितने भी हैं वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ घूमना जाना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, दे वॉन्ट टू गो ऑन अ लेजर ट्रिप, सम फॉरेन कंट्री, समवेयर अब्रॉड, जस्ट टू हैव फन, जस्ट फॉर सम फ्यू डेज, नॉट टू सेटल, नॉट टू माइग्रेट, नॉट फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर अ जॉब, जस्ट टू हैव सम फन, जस्ट टू गो टू अ फॉरेन लोकेशन विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जस्ट एन्जॉय द टाइम विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इट इज़ लाइक इवन दे आर वेरी कन्फ्यूज विच कंट्री इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम घूमने के लिए, जहाँ बजट फ्रेंडली भी हो उनका घूमना फिरना एंड एवरी वन एन्जॉयज, लाइक द किड्स, द सीनियर्स, द मिडल एज, एवरी वन एन्जॉयज इन द फैमिली, ऐसी कोई कंट्री में जाना चाह रहे हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, वो चाहते हैं कि बजट भी उनका ज़्यादा खराब ना हो एंड दे ऑलमोस्ट फाइनलाइज ऑन द कंट्री दैट दे वॉन्ट टू गो एंड दिस इज फॉर फ्यू ऑफ देम, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड टू गो अब्रॉड एंड जस्ट फॉर अ वेकेशन एंड लाइक जस्ट फॉर अ लाइक प्लेजर ट्रिप। सो इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पॉजिटिव ट्रिप एंड दे गोना हैव लॉट ऑफ फन, दे गोना एक्सप्लोर लॉट ऑफ न्यू न्यू प्लेसेस एंड डू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, गेट न्यू एक्सपीरियंसेस विद द फैमिली एज अ होल एंड बहुत अच्छे से उनकी ट्रिप जाने वाली है। अब्रॉड इट्स जस्ट गोइंग टू बी फॉर फ्यू डेज ओनली, 2-3 वीक्स ही होने वाला है उनके लिए, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग एंड वो घूम फिर के एंजॉय करके आएंगे डेफिनेटली एंड उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रिप रहेगी। एंड अब्रॉड जाना है बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नो माइग्रेशन, नो मूविंग, नथिंग, बस थोड़े टाइम के लिए घूमना है एंड उनको एंजॉय करना है। येस सो इट्स अ येस फॉर देम एंड दे विल डेफिनेटली बी गोइंग वेरी सून इन लाइक द नियर फ्यूचर। प्लानिंग शुरू हो गई है,
बजट्स वर्कआउट हो रहे हैं, कंट्रीज वर्कआउट हो रहा है, सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन एंड अब्रॉड जाना बहुत जल्दी होगा इनका, जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है. सो इट कैन बी लाइक अ प्लेजर ट्रिप ऑल्सो, इट कैन बी अ बिजनेस ट्रिप ऑल्सो, बट वेरी शॉर्ट ट्रिप होगी ये, एक छोटी सी ट्रिप होगी, लाइक 2 वीक्स मैक्स, 2-3 वीक्स मैक्स, एंड दे विल बी डूइंग देयर फन और वर्क एंड बी बैक अगेन. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ अब्रॉड मीन्स सेटल होना या पढ़ाई करने जाना या करियर के लिए जाना, वैसा नहीं है. इट्स जस्ट अ शॉर्ट ट्रिप, घूम फिर के वापस अपने घर आ जाना है टू योर करंट कंट्री वेर एवर दे रिसाइड. सो दिस वॉज फॉर पाइल 3. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 4. अगर आपने पाइल 4 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका बाहर जाना होगा कि नहीं होगा, एंड विल इट बी गुड फॉर यू और नॉट. सो लेट्स हैव अ लुक. ओके, सो पाइल 4, आपको बाहर तो जाना है एंड आप बजट पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, आप जो आपके जो फाइनेंसेस है, आपके घर के सीनियर्स हैं, सबके साथ आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए ये पूरा वर्कआउट, विल इट बी गुड फॉर यू और नॉट, एंड विल इट लाइक फेवरेबल फॉर यू और नॉट एज फार एज योर फ्यूचर इज कंसर्न, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, एज फार एज द फाइनेंसिस आर कंसर्न. इट इज़ लुकिंग लिटिल डिफिकल्ट कि आपको बहुत सोचना चाहिए ये ट्रिप, ये मूव के बारे में, कि आप बस अपने हिसाब से मत सोचेगी, क्योंकि आपके मन में आ गया है कि बाहर जाके ही आपका फ्यूचर है, बाहर जाके ही आपके लिए अच्छा है, इसलिए आपको जाना चाहिए. ऐसे मत सोचिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, देर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन गोइंग अब्रॉड. एंड जो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको बाहर जाके एक्स्ट्रा खर्चा करके, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करके जाने की जरूरत नहीं है. तो आपको ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि वॉट इज इट दैट यू विल बी गेटिंग देयर जो आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है. आपको सही में अगर एवरीथिंग इज द सेम, आप ये मूव के बारे में बहुत सोच समझ के सोचिएगा, एंड डोंट जस्ट गो बिकॉज यू फील लाइक गोइंग इट एंड यू फील लाइक दैट इज द राइट थिंग टू डू. इसलिए मत कीजिए, आप कोई भी चीज़ इसलिए कीजिए क्योंकि वो सही है आपके लिए और आपकी ग्रोथ और आपके सक्सेस में आपको हेल्प करेगी. अगर आप घूमने जा रहे हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप एक पर्पज जो आपके माइंड में है कि आपको जाना है फॉर सेटलिंग टू हैव अ गुड लाइक यू नो, आपको वहाँ पे सेटल होना है. अगर आप यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर पा रहे हैं तो प्लीज डोंट पुश योर सेल्फ फॉर द फाइनेंसिस एंड एवरीथिंग, और लाइक जो फोर्सफुली आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं होगा. सो लेट्स सी आप एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं कि शुड यू गो और शुड यू नॉट गो, एंड विल इट वर्क आउट फॉर यू और नॉट. सो लेट्स सी सी द कार आई एम गेटिंग इज देयर समथिंग बेटर. तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ बेटर है यहाँ पर ही. आपको ये बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना होगा और आपको बहुत सोच समझ के इसमें पढ़ना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में है जाना है तो जाना ही चाहिए. कभी कभी हर कोई चीज़ जो हम सोचते हैं वो आपके लिए बेटर नहीं होती है. मे बी देयर समथिंग एल्स, मे बी गॉड हैज सम अदर प्लान्स, मे बी एंजल्स हैव सम अदर प्लान्स. तो हमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके ही ऐसे डिसीजन लेने चाहिए. सो दिस वॉज अवर पाइल 4. होप आप जो भी पाइल 1, 2, 3 को जिसने जो भी सिलेक्ट किया है आप वो रेसोनेट कर पाए हैं रीडिंग उसके साथ अपनी. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कि आपने जो भी पाइल सिलेक्ट की थी वो आप रेसोनेट किए कि नहीं किए. इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सम स्पेशल टॉपिक फॉर नेक्स्ट टाइम फॉर स्पेशल रीडिंग, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या रीडिंग चाहते हैं, सो आई कैन कम अप विद द टॉपिक. And if you want a private reading with me, please DM me और हम appointment set up करके आपके साथ हम reading कर सकते हैं. Also, please like, share, subscribe my channel. अपने friends and family को बोलिए to subscribe my channel and do follow me back. And thank you everyone for joining today. Have a good and a blessed day. Thank you. Take care. Bye.